मेरे को ना बस लीड में कॉन्फिडेंस नहीं आता, मेरे को तुम दोनों में ही शक था बस। अरे 1250 और भी बहुत लोगों के पास है यहाँ पे। 5000 रुपए का बिल आ गया। छोटा सा बर्नआउट। पाजी बहुत अच्छा लीन करते हैं टच फुट। संडे राइड की एक्साइटमेंट ले लो या कुछ भी ले लो, सुबह के 6:17 हो चुके और आज पूरी रात भाई मैं 1 मिनट भी नहीं सोया, 1 मिनट भी नहीं भाई टाइम, 1 मिनट भी नहीं सोया, मतलब 1 मिनट, मतलब 1 मिनट भी नहीं सोया। ये चल रही है जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग, हो गई गुड मॉर्निंग। शॉट नहीं लेने देता ये कुत्ता मेरा, एक शॉट है भाई। राइड भी चलोगे वो तेरी साले, तू चलाएगा। सिट रोमियो, सिट सिट, गुड बॉय गुड बॉय। चाबी स्मेल करो, स्मेल कक्की नहीं खाते अभी, इसके दांतों में खुजली रहती है भाई, इसे हर चीज़ खानी है, हर चीज़ बेटा। बहुत महंगी चाबी है। नो सिट, गुड बॉय गुड बॉय, सिट गुड बॉय। मेरी स्कूटी पे आके बैठ गया सुबह सुबह, चल उतर जा फटाफट से, जल्दी उतर, इसे पता है मैं रेडी होना शुरू हो रहा हूँ, स्कूटी निकालूंगा, चल रोमियो चल। नहीं गंदी बात मत कर, गंदी बात ना कर, गंदी बात ना कर, उतर जा मेरी स्कूटी से चल। हे गंदे, गंदा लग रहा है। नो 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 बेटे। एंड गाइस अभी ना ये पुरजोर कोशिश कर रहा है कि भाई आज मैं इसको अकेले नहीं जान दूंगा, मतलब मेरे को अकेले नहीं जान देगा, ये जूते उठा के भग जाएगा बाहर। इसके बाल ना ऐसे नहीं होते, अभी कॉम वगैरह करूंगा एकदम बढ़िया वापस हो जाएंगे, लेकिन आज इसको ना आके नहलाना भी है भाई। मेरा जूता देता है रोमी, दे दे जूता मेरा, बस अब यही यही खेल होगा भाई। ओ भाई साहब बहुत ज्यादा ठंडी है आज, बहुत ज्यादा। अपना मुखड़ा तो आपको दिखाएंगे, उससे पहले पैंथर को क्लीन कर लेते हैं फटाफट से। अच्छे से क्लीन किया जाएगा आज संडे राइड से पहले। मेरे को ना अभी सांस चढ़ रही है, रीजन बिंग तबीयत ठीक नहीं है बाबा, बोला भी नहीं जा रहा तबीयत ठीक नहीं है बाबा, ऊपर से पूरी रात नहीं सोया। लेकिन इसको चलाने की भाई सुपर एक्साइटमेंट थी मेरे को सवेरे से, सो फटाफट से बेबी को क्लीन कर लेते हैं, निकलते हैं आतंक मचाने अपने पैंथर के साथ। बहुत दिनों के बाद आज इतनी जल्दी उठाऊँ जी, पकड़ना गाड़ी करते हैं फटाफट से न्यूट्रल में और देते हैं जी पहला सेल्फ। 26 डिग्री हुई बाइक का टेम्परेचर। वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस, कैसे हैं आप सब, स्वागत है खाना भाई की जिंदगी के एक और नए हसीन दिन में। रेड हो रहा हूँ, फटाफट से निकलते हैं। बड़े दिनों के बाद आज ना मैंने अपने ग्लव्स निकाल लिए, रीजन बीइंग ये ना मेरे फेवरेट ग्लव्स हैं और ये हो चुके हैं छोटे छोटे ही, मेरी मिस्टेक से होया, एक्सपेरिमेंट कर रहा था कुछ। ग्लव्स पहन के राइड कर रहे हैं जी आज पूरे कंप्लीट राइडिंग गियर के साथ, 68 डिग्री बाइक का टेम्परेचर, अच्छे से वार्म हो चुका है अपना पैंथर, वाहेगुरु जी का नाम लेके निकलते हैं। चलो जी। सो जी ये ग्लव्स ना मेरे सबसे फेवरेट ग्लव्स थे, लेकिन ना बारिश में भीग गए थे और मैंने गलती ये करी कि भाई मैंने इसको ड्रायर से गर्म कर लिया। भाई बंदर मॉर्निंग में लोगों के रास्ता भाई बिल्लियाँ काटती हैं, कुत्ते काटते हैं, हमारा रास्ता बंदर काटते हैं, क्या बात है जी, क्या बात है। फ्यूलिंग मैंने कल रात में ही कंप्लीट करा ली थी, अभी का आज का जो इसी वक्त का जो हमारा मीटिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा अलग है क्योंकि जी इस बार हम मिलेंगे शिव मूर्ति में। अभी मेरे को राजू भाई का कॉल आया, वो पहुँच चुके हैं, मैंने उनको बोला भाई मैं रास्ते में ही हूँ, मैं 2-4 मिनट में पहुँच गया। आज ना थोड़ी सी मैंने बताया ना तबीयत ढीली है ना, तो बोलने में ना थोड़ा सा स्ट्रेस लग रहा है, बार बार सांस चढ़ रही है, पूरा ना कफ से चेस्ट ब्लॉक हो रखा है। सुबह सुबह गाड़ियों का सामना करते करते हम लेंगे यहाँ से यू टर्न, और हाथ बैठ जाना इस वाले ग्लव्स के साथ, मज़ा आ जाएगा भाई। आपके लिंक में ये वाले ग्लव्स हो ना कहीं से भी तो मेरे को बता देना, रेविट के ग्लव्स हैं ये और लेदर वाले ग्लव्स होते हैं ये जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, जहाँ से भी मिलेंगे बस मेरे को बता देना गाइस कि ये कहीं पे अवेलेबल है, क्योंकि हम तो थक हार चुके हैं, हमको कहीं भी नहीं मिल रहे हैं ये वाले ग्लव्स। चलो जी आतंक मच गया भाई आज तो सुबह सुबह, और 1% भी नहीं लग रहा कि भाई पूरी रात में सोया नहीं हो। सो जी लाइक कर देना इस वीडियो को, क्योंकि भाई आज मैंने प्लान करा हुआ है 2 व्लॉग्स बनाने का, क्योंकि आपको पता ही है एक तो संडे राइड और आज एक बेहतरीन गाड़ी की डिलीवरी,
हो गई होगी या होने वाली है, क्योंकि जी अभी तो मॉर्निंग है, लेकिन मैंने सोचा होगा पहले वो ब्लॉग डालूंगा फिर डालूंगा ये वाला ब्लॉग, मतलब जो भी होगा आपको तो पहले ही पता होगा ना गाइस। जरा ये व्यू चेक करो, वाओ, आई रियली डोंट नो जो मेरी आंखें देख पा रही हैं वो आप देख पा रहे होगे या नहीं, बट भाई वाओ, जस्ट वाओ यार, कसम से मैं ना रुक गया हूँ ब्रो। प्लेन जा रहा है, धुंधला है बिल्कुल, फॉगी फॉगी वेदर हो चुका है जी शुरू, और अभी चंद मिनटों के अंदर अपन लोग चढ़ जाएंगे हाईवे के ऊपर जो अपना एयरपोर्ट वाला रोड है, अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं लगता जी, 5-7 मिनट के अंदर पहुँच जाते हैं, ट्रैफिक ना हो तो टर्म्स एंड कंडीशन में अप्लाई गाइस। और भाई बीच बीच में ना यार ये पानी आता है, मैंने इतने दिल से बाइक क्लीन करी है ना, गंदी हो जाती है यार, गंदी। और यार पता है लोग ना डॉग को घुमा रहे हैं, मेरे को रोमियो याद आ रहा है बार बार, कसम से भाई निकलने नहीं देता मेरे को घर से, कहता है भाई मैं साथ जाऊंगा, मतलब साथ जाऊंगा, उसको इतनी अकल हो गई अभी से कि भाई ये लड़का स्कूटी लेके जाता है, स्कूटी पे बैठा मिलेगा भाई चाहे कोई भी टाइम हो, उसको लग गया कि भाई मैं रेडी होने लग गया ब्रो, स्कूटी पे मिलेगा अपना, फीलिंग आ जाती है यार, फीलिंग आ जाती है, संडे को एक अलग फीलिंग आती है बस। कुछ पल में अपन पहुंच जाएंगे अपने आज के मीटिंग लोकेशन के ऊपर, भाई लोग भी आएंगे, सबसे आपको मिलवाएंगे। डैश बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है मेरे को, कसम से सपनों की रानी जा रही है आगे, हाँ वो भी अपने ही कलर में ब्लैक, ओए होए 63 है ब्रो, वाओ पंडित जी चला रहे थे, मतलब काइंड ऑफ पंडित जी वाला गेटअप लग रहा था सर जी का, ओ बाप रे, पोर्शा 716 718 एक्चुअली बॉक्सर, ओ बाप रे, मैं कह रहा क्रूज कंट्रोल एक्टिव क्यों नहीं हो रहा, हे शिव शंभू। आज हमारे साथ मेरी भाई बिल्कुल सही गाड़ी है, मेरे को बस ऐसे रोड क्रॉस करना है और मैं एकदम सही लोकेशन पे आ जाऊंगा भाई, मजा तो बहुत आने वाले आज की राइड। सो जी यू टर्न लगाए जा रहे हैं यहाँ पे भर भर के, और हम तो बिल्कुल सही सही खड़े हैं, दो बाइक्स रह गई, एक एम रह गई और एक आर आर रह गई, मतलब आज भी अपने ग्रुप में 3 RR है, उस हार्ड में एग्जॉस्ट भी लगा हुआ था। यहाँ से अपन लेफ्ट मुड़ जाएंगे टूवर्ड द्वारका एक्सप्रेस वे, और ओ आज मोड़ लोगे इसे आज, गेट सेट गो, वाहेगुरु हे प्रभु कृपा करना, चलो जी चलते हैं, यहाँ से अपन मुड़ जाएंगे लेफ्ट, मोटी मोटी आवाज का लुफ्त भी उठाएंगे। आई थिंक यार यहाँ पे ना एक एक्सीडेंट हो गया, अभी तो सब क्लियर है लेकिन भाई वो बाइक खड़ी है ना पक्का यार, हे भगवान सब सही रहे, सबको करेंगे आगे, ओए होए पीछे ना बहुत सारी बाइक्स अभी और भी हैं, सारी दिखाते हैं आपको एक एक करके ना, ओह माय गॉड, हार्ली 900 M1000 RR 1250, हाँ जी ये लाइन है जी आज का, क्या बात है भाई, आज इतना फॉग है ना कि प्लेन ना ठीक से दिख भी नहीं रहे, मतलब दोनों में ना सेम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, मेरे को उसकी आवाज नहीं आ रही, शायद से उसे मेरी आवाज नहीं आ रही होगी, मतलब बाइक की बोथ बाइक्स आर टू लाउड, चलो जी रेड लाइट हो गई, आनंद, मतलब रेगुलर दिन में भी ना इतना ही ट्रैफिक होता है जितना अभी है, और भाई राइट पे इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि एक इंडिगो की फ्लाइट ना बहुत नीचे से उतर रही थी और यहीं पे ना वो आ गया, कितने पेड़ वरना और हसीन नज़ारे आपको दिखाता खन्ना भाई आपका, अब धीरे धीरे नाक भी खुल गई है, अच्छा भी लग रहा है, एनर्जी भी धीरे धीरे आ जाएगी, लेकिन भाई रात तक तो मामला थोड़ा सा डल हो जाएगा, लेकिन जी
ट्रैफिक कम है। स्वाद ही आ गया जी संडे को कसम से, फुल एनर्जी आ गया जी, फुल एकदम ना फुल जोश में। अपने में ही सारे भाई लोग मिला के इतने सारे राइडर्स हो गए, स्वाद सा ही आ गया जी। टकनी कर भी जाता यार, थर्ड मार रहा हूँ आज तो। चलो चलो, बाप रे टेनर है वो, टेनर दी है। वाओ जी, व्हाट अ लवली एंड व्हाट अ ग्रेट मॉर्निंग। बीएमडब्ल्यू बीएमडब्ल्यू ये करेंगे फिर करेंगे, कर दे पहले आप, पहले पे उठा के दूसरा हवा में। हम कितनी आगे जा रहे हैं, बट भाई ये देख रहे हो तारों के गुच्छे पर रोड पे लग रहे हैं, कितने बड़े बड़े लग रहे हैं ब्रो। हाईवे भी इतना ऑसम है ना कि क्या बताऊं आपको, फुल मजा आ रहा है जी फुल। अब ना कदम से भूख लग रही है और चाय पीने की तलब हो रही है, बस जिंदगी में बस ये दो चीज और मिल जाए बस जी, आराम आ जाएगा आज के लिए। अच्छा डिसीजन था आज मुंबई एक्सप्रेसवे चढ़ने का, क्योंकि इस पैच तक अभी बाइक्स अलाउड है, इसके बाद अलाउड नहीं है। टेनर आरआर पाजी बहुत अच्छा लीन करते हैं टच। ओ भाई सैमी भाई ने बहुत तगड़ी लीन करी हुई है। मेरे को ना थोड़ा लीन में कॉन्फिडेंस नहीं आता, ओके ये भी सही लीन कर रहा था, मेरे को ना बस लीन में कॉन्फिडेंस नहीं आता। एंड जी यहां से अपन लोग लेंगे कट पंचगांव जाने का, तो आगे से भी ले सकते हैं वैसे, तो आगे से निकल के वेट कर लेते हैं जी एक बार सारे भाइयों का, कोई भाई गलती से आगे ना निकल जाए, क्योंकि राजू भाई कुणाल भाई और साथ में एक दो भाई और हैं जो फर्स्ट टाइम मतलब राइड कर रहे हैं ऐसे, तो ज़्यादा ही आगे आ गया यार मैं, सारे के सारे पीछे हैं। मैप लगा के कहीं और रुक गए, मेरे को तुम दोनों में ही शक था बस। अरे 12:50 और भी बहुत लोगों के पास है यहाँ पे, भाई कह रहे हैं एक के पास ना 12:50 थी वो लेफ्ट मुड़े, मैं भी लेफ्ट मुड़ गया, मेरे को लगा संतोष है, मैं कहा भाई और भी लोगों के पास 12:50 है यहाँ पे। चलो जी एंट्री करते हैं पंचगांव के लिए। सो गाइस रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने, क्या कह रहे हो विली क्या नहीं जा रही, सीख रहा हूँ मैं अभी अभी, दो चार दिन में और अच्छी मारनी सीख जाऊंगा, आशीर्वाद है गुरुजी का, दोनों गुरुओं का आशीर्वाद लेकर आए हुए। और ओए होए एकदम एकदम एकदम, बस बस संडे राइड हो रही है, क्या बात है सारी की सारी बाइकें लग चुकी है पार्किंग में, चलते हैं जी। बहुत मजा आया जी, बहुत मजा आया। कैसी रही भाई आपकी संडे राइड सालों बाद? स्वाद आ गया। हाँ भाई हीरो इधर आ जा तू पहले। खाने के वांदे लग रहे हैं यहाँ पे, टेबलों पे हेलमेट रखवा रहे हैं भाई। बाकी एक शर्त लगी थी बहुत तगड़ी, भाई आ रहे हैं। मैं जीत गया। अच्छा तुम जीत गए हो कल? बाय 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 बाय, हेलो हाय हाय। जाना कौन? On the way. हाँ, दो बंदे है ना, चार हाथ हो गए। अपन लोग पता करने आ गए अभी हो रही है कि नहीं हो रही है। अभी नहीं है। सो जी एक घंटे बाद यहाँ पे मोबाइल का गेम चालू, लेकिन भाई ट्रैक तो बढ़िया है गो कार्टिंग वाला, और अभी ना किसी की टूर्नामेंटशिप चल रही है मतलब हाँ पे सारे के सारे ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जी मुझे पता है कि यहाँ से सबको वापस भेजा जाएगा, लेकिन सबको बुलाया जा रहा है एक एक भाई को, वो कह रहे कल आना। क्यों चालू नहीं है अभी, टूर्नामेंट चल रहा है किसी का। 5,300 5,000 रुपए का बिल आ गया। कितना क्या खा लिया हमने? चांदनी चौक के छोले भटूरे, चांदनी चौक से आए हैं, 205 रुपए की प्लेट पड़ी है। 2,400-600 रुपए का तो भटूरा ही बेल दिया हमने। 615 कमल भाजी मेरा मसाला डोसा, तंदूरी पनीर पराठे दो, तंदूरी आलू प्याज पराठे दो, कुल्हड़ दही तीन, दो चार छः। सो जी
टाइम हो रहा है 11 और अब अपन लोग निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा मौज मस्ती कर ली भाई, अब निकल रहे हैं। गर्मी हो रही है भाई। बाइक स्टार्ट होते ही एक अलग एनर्जी होती है भाई। हे प्रभु वाहेगुरु। चलो जी चलते हैं यहाँ से। ऐसा बर्नआउट संडे भाई, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होता है। ट्रैक्शन ऑन कर देते हैं क्योंकि इस बाइक पे ट्रैक्शन ऑन करना मतलब ऑफ करना एंड लेवल का क्रेज हो जाता है भाई। अब यहाँ से लेंगे अपन यूटर्न और वापस चढ़ जाएंगे एक्सप्रेसवे को। बाकी यार मेरा ना आज का दिन वैसे ही बड़ा लंबा है। अच्छी बात ही हो गई कि चाय कॉफ़ी जितना एनर्जी इनटेक कर सकता था ना सारा कर दिया, क्योंकि जी हालत ख़राब हो जाएगी क्योंकि सोए नहीं हैं हम भैया ठीक से। चलो जी अब जाके हवा लगी है थोड़ी शरीर में, इतनी गर्मी हो गई थी। आज ना बड़े टाइम के बाद इस वाले रूट से ना वापस जा रहा हूँ, तो एक चीज़ मैंने फील कर ली कि भाई ये रास्ता ना बहुत ख़राब हो चुका है। पहले रास्ता ये बहुत अच्छा बना हुआ था यार, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। जाओ भैया जाओ यार, क्या बात हो गई। फॉर्चुनर वाले भैया भगा रहे हैं एकदम बढ़िया तरीके से। सबसे टाटा बाय बाय कर लेते हैं हम यहाँ से। हाँ भाई लोग निकलेंगे यहाँ से, अपन लोग सीधा चल विश्नोई। चलो बाय चट्टा। मौसम थोड़ा सा गर्मीला हो चुका है वरना तो मज़े आ रहे थे, बट बाइक पे एक बार चढ़ने के बाद तो जी एक चीज़ से ना बहुत ज़्यादा डर रहा था, वो था जी ट्रैफिक जाम। क्योंकि यार बाइक पे ना जब आपने राइडिंग गियर्स डाले हो ना और ग्लव्स वगैरह एकदम टाइट वाले डाले हो तो भाई ट्रैफिक जाम में ना आप ही हो जाती है हालत ख़राब। बट जी चलता हुआ ट्रैफिक है, और संडे को यार ट्रैफिक ना मन सा नहीं करता यार। मतलब अभी चलो ये है कि फेस्टिवल सीज़न है इसलिए थोड़ा बहुत ट्रैफिक अभी रहेगा, थोड़ा बहुत तो खैर चलता ही रहता है। गला सूख रहा है बहुत ज़्यादा। सो जी एग्जैक्टली ना वहीं पहुंच चुके हैं जहाँ से आज के दिन की शुरुआत हुई थी, अपने घर के पास। ओ बाप रे आज की राइड भाई बहुत टाइम के बाद ना क्रेजीएस्ट राइड थी, क्रेजीएस्ट। एंड जी सेफ एंड साउंड वी आर बैक एट आवर होम। मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे भाई लोग पहुंच चुके हैं अपने अपने घर। आपसे मिलेंगे गाइस अगले ब्लॉग में। टिल देन रब रखा, बाय बाय, टेक केयर गाइस। कैसा लगा आज वाला ब्लॉग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना प्लीज़। देखो अगर आप लोग कमेंट करोगे ना तो आपका एक कमेंट ना भाई मेरा दिन बना देगा यार। तो एक छोटा सा कमेंट तो भाई कर ही दोगे मेरे को पता है। अब अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो भाई बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाना। आपसे मिलेंगे गाइस अगले ब्लॉग में। टिल देन रब रखा, बाय बाय, टेक केयर।